अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 11 और कुछ गायें वगैरह भी बाहर बड़ी आई हुई हैं कि और एक गाय आने वाली है हमारे बाहर क्रॉस में, तो वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे उतरती है, क्या होता है। अच्छा, अक्सर भिदक जाती हैं तो बस नहीं देखते ये भिदकती है या नहीं भिदकती। और दूसरा, हज का महीना बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो और इंशाल्लाह हज दुआएँ अल्लाह पाक सबके हज कबूल करें और हम सबकी नमाज़ों को रोज़ों को कबूल करें। और मिलते हैं आप लोगों से, चलते हैं देखते हैं। और अभी बस थोड़ी सी घर की सफाई वगैरह हो रही थी, सेटिंग कर रहे थे। सेटिंग तो सारी हो ही गई है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ हम छेड़ाछाड़ी करते हैं ना, तो फिर हम दोबारा उसकी सेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि अक्सर ख़राब हो जाती है कुछ, तो बच्चों को समझ नहीं आती। जैसे अभी मैंने ये ड्रेसिंग टेबल वहाँ कर दी थी और सोफ़े यहाँ रख दिए थे, तो ये भी समझ नहीं आ रही, तो वापस इसको उसी हुलिये में लेकर आते हैं। और दूसरा, आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है और मौसम बादल तो है लेकिन तपिश है, लेकिन ये कि मौसम अच्छा है कि बाहर इंसान जाके काम कर सकता है। और आज मैं सेल्फी स्टिक से बना रही हूँ व्लॉग अपना, क्योंकि हाथ में दर्द हो जाता है तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा बनता है। और लाइपा वगैरह जो है आपका ये सफाई कर रही हैं, और बाहर एक गाय आने वाली है वो दिखाते हैं। आज रात के खाने में हुज़ैफ़ा बनाएंगे मैक्रोनी, तो मैक्रोनी की भी मैं तैयारी करती हूँ, चीज़ें वगैरह मैंने मंगवा ली हैं रिजवान से, तो देखते हैं क्या बनाते हैं इसका, कौन सी मैक्रोनी बनाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी। हाँ, हमारे पास आई हैं दो प्यारी प्यारी सी गायें, अब देखते हैं ये उतरेंगी तो क्या करेंगे। आज मैंने एक शॉर्ट में भी डाला है, उससे ज़रूर देखिएगा। और वो तो भाग गई थी भाई उतरते साथ ही, अब इन्हें देखते हैं ये क्या करती हैं। अभी तो मासूम लग रही हैं, देखते हैं उतर के क्या करती हैं। वैसे मासूम सी लग रही हैं, कुछ नहीं करेंगी। और यहाँ सब देख रहे हैं। आसान क्या लगता है, भागेगी भागेगी घर के अंदर उतार रहे हैं। हाँ, घर के अंदर उतार रहे हैं। अब्दुलरहमान सामने नीचे खड़े हैं, अब्दुलरहमान भी देख रहे हैं। और अच्छा, ऐसे ही होता है कि जब गाय वगैरह आती तो सब अपनी गैलरियों में और इस तरह से सॉरी कैमरे में उंगली आ गई है हमारी। अच्छा, ये मिट्टी इसलिए बिछा रहे हैं ताकि यहाँ पे ही घड़ी खड़ी करें, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि गाय को कोई पाँव में लगे ना, फर्श वगैरह ना। हफ्सा क्या कर रही है, हफ्सा नहीं देख रही यहाँ क्या। और आज तो हसन बड़ा पप्पू चुम्मी हुए हैं हैं हसन। ये देखें जी हसन के ये लुक देखें आप, आए है आए है। कैमरा भी लगाई थी, हसन गोरे गोरे से लग रहा है। हसन तो है ही गोरा, हसन तो वैसे ही गोरा है, कुदरती गोरा है। अरे भाई उतारो, हम वेट कर रहे हैं। ओह कितने प्यार से चली गई, देखो ये वाली लड़ाका नहीं है। अच्छा छोटी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, जैसे वो नीचे वालों की आई हुई ना वो बड़ी प्यारी है, बड़ी बड़ी। बनने में थोड़ी सी अड़ी कहानी कर रही है, लेकिन उतरी तो बड़े प्यार से। अब्दुलरहमान कितने मजे से देख रहे हैं। अब दूसरी की बारी आ रही है उतारने की। अब दूसरी उतारेंगे। अच्छा दूसरी किसी और की है, एक है इनकी। चलें एक तो किसी और की है भाई, एक जा रही है कहीं और, एक उतार ली इन्होंने। ओह कितनी तंग कर रही है वाली गाय,
अगर वो खुल गई ना तो बहुत मारेगी। विधान सारी गायें उतर के आप अब आए हो। विधान दो आई थी, दो आई थी और कौन बुढ़िया? ये देखें जो नीचे पहले से दो मौजूद है ना, ये बहुत प्यारी गाय है। चले जी मिलते हैं बाद में किसी और काम करते हुए आप लोगों के साथ। हमारे घर में बना रहे हैं मास्टर शेफ। क्या बना रहे हो जैफा? मैक्रोनी। ये देखें जी, और ये मैक्रोनी की इसने मैक्रोनी बॉयल करने रख दी है। कितनी सारी बनती है, पूरी 1 किलो मैक्रोनी है जी। मैक्रोनी तकरीबन हो गई है। हाँ उजैफा बंद कर दो। और यहाँ शिमला मिर्च और बंद गोभी। और ये क्या है? ये उजैफा ने करा है सॉस तैयार। इसमें मक्खन है, मैदा है, और क्या है उजैफा? दूध है, और काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, कुटी मिर्च है, इस तरह से। और ये हमज़ा भी कुछ सीखने आए थे लेकिन वापस चले गए। हम तो सीख रहे हो क्या? अच्छा जी, सब चीज़ें उजैफा ने फैला दी हैं यहाँ पे। सब मुझे समेटना होगा। शिमला मिर्च मैंने काट के दी है, बंद गोभी मैंने काट के दी है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं बाबू। चलो अच्छा तुम बना लो, जब बन जाए तो मुझे बता देना, मैं खाने आ जाऊँगी। ठीक है, वैसे अच्छी लग रही है शक्ल से, तो देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को हम टेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, क्या क्या करना है? कैसे मिर्ची डालनी है? कौन सी कुटी मिर्च? कुटी मिर्च खत्म हो गई है। और इसके बदले ना इसमें पता है ब्लैक पेपर और डाल दो। मैं तो इसको डायरेक्ट डाल देता। हाँ सॉस में ना, हाँ फिर उसमें फ्लेवर बढ़ा देना। अच्छा भैया, अब इसको एक दफ़ा और गर्म कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि नहीं नमक तो सही लग रहा था मुझे। बस ये सोते हुए भी सब्जी इसमें डालेंगे। अच्छा फिर सारी मैक्रोनी एक जगह मिक्स कर देंगे बस इसके साथ ना? ये फिर मैक्रोनी के ऊपर डाल देंगे। अच्छा मैं कह रही थी थोड़ा सा मैक्रोनी में जैसे सोया सॉस वगैरह भी डालोगे या नहीं? क्यों, सोया सॉस तो डलता है इसमें? नहीं डलता। बना रहे हो? ये न्यू स्टाइल से बना रहे हैं उजैफा जनाब। अच्छा उजैफा मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाते हैं, और मैगी भी बहुत अच्छी बनाते हैं। अभी आप मैक्रोनी बनाना सीखे हैं उजैफा शेफ से, फिर इंशाल्लाह आपको मैं मैगी बनाना भी दिखाएंगे इसकी। और क्या बनाते हो उजैफा तुम? पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनाता है। हाँ और केक, मैंगो केक तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाता है भाई। मम्मा के चैनल पर डला हुआ वो मैंने ही बनाया। हाँ जो मेरे चैनल पर मैंगो केक है ना, वो आधे से ज़्यादा काम उजैफा ने किया था। हाँ ये तो है। अच्छा नमक थोड़ा सा कम था तो उजैफा ने थोड़ा और नमक डाला है। मैंने नमक टेस्ट किया था। क्या भाई? हाँ हफ्सा भी भाई बहुत अच्छी मैगी बनाती है। ठीक है ना जी। अच्छा थोड़ा सा मुझे हमें ना गाढ़ा लग रहा था, तो इसमें आप चाहें तो दूध डाल दें, आप चाहें तो पानी डाल दें। वैसे तो हमने दूध से करा था इसे, लेकिन अभी कम पड़ा था तो हमने कहा दूध कौन डाले, इसमें पानी डाल देते हैं। थोड़ा हल्का सा जूसी सा फ्लेवर आ जाएगा ना, जूसी जूसी सी बने, मिक्स सही हो जाएगी ना। तब मुझे लगा थोड़ा सा और पानी डलेगा, क्योंकि अभी ये पकेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। नहीं पकानी नहीं है, बस मिक्स करने है। अच्छा भाई अब क्या डालोगे जैफा इसमें? ये सारी भगोने में ले ली, पानी निकालने के बाद इसमें डाल देंगे सारी सॉस। अच्छा मुझे लग रहा है सब्जियाँ और होनी चाहिए। अगर गाजर हो तो वो भी डाल सकते हैं, मटर गाजर है ना, या नहीं? कौन अच्छे लगते हैं इसमें? हाँ मिक्स कर दें, मिक्स वेल। अच्छा जी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और आसान क्या हो रहा है? मोबाइल चार्ज कर रहे, इतना यूज़ करते क्यों तुम? बहुत मोबाइल यूज़ करते। आज आप क्या खाने वाले हो पता है? मैगी। नहीं, मुजफ्फर भाई के हाथों की मैक्रोनी। क्या हुआ, तैयार हो गए भाई? बिल्कुल तैयार, रेडी, डन डन आ डन। तुम्हें क्या वाली दे दूँ? लेट्स, चलो भाई मुजफ्फर जनाब निकाल रहे हैं अपने लिए। और कोई खा रहा तो पूछ लो भाई।
यस खा रहा है मतलब शक्ल से तो अच्छी लग रही है। स्पून चाहिए होगा बहुत गर्म ये वाइट वाइट के डाले आपको स्पून चाहिए होता है लाइट जाएगी ना 10 बजे लाइट जाएगी 10 बजे मैं आपको दे अच्छा मुझे भी पता था अच्छा मैंने लेकिन मिर्चें तो मुझे थोड़ी कम लगी क्योंकि अपन को ज़्यादा स्पाइसी खाने का है ना आसान टेस्ट करो ये लो भाई आसान भी टेस्ट करेंगे टेस्ट करके बताओ अच्छी है अच्छा सब्जियां तो मुझे लगता है थोड़ी सब्जियां और होनी चाहिए है ना उधर पता नहीं आप लोग भी ट्राई करके बताइएगा कैसे बनी ऐसी रेसिपी कैसी बनी है अच्छी बनी है तुम तो मुबशिर सर के मुबशिर भाई साहब जो उनके पापा कहते हैं ज़बरदस्त पुत्र हुज़ैफ़ा का अब्बा ये ज़बरदस्त पुत्र अच्छा जी मेरे में तो सबने शिमला मिर्च डाल दी है अब्दुल रहमान भी नहीं खाते और कोई भी नहीं खाता हमजा ने सारी डाली है मेरे में शिमला मिर्च पर मुझे तो शिमला मिर्च अच्छी लगती है।